यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है एक्सिस मोबाइल ऐप और कुछ इस तरह का लोगो आ जाएगा। ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको स्किप कर देना है इसे, और स्किप करना है और स्किप करना है, और यहाँ से नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ परमिशन मांगेगा, वो आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लॉगिंग टू योर एक्सिस अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका सिम 1 या 2 जिसमें भी रजिस्टर्ड नंबर लगा हुआ है उसको आपको चेक कर देना। देखिए दोनों के नीचे अलग अलग बॉक्स बना हुआ है, मैं इसको यहाँ से चेक कर देता हूँ और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक खाली बॉक्स दिख रहा है, इस खाली बॉक्स वाले ऑप्शन पे चेक करके आपको यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा है, आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप कर देना है। नेम टाइप करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दोनों में चेक बॉक्स करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक 6 डिजिट का पिन जनरेट कर लेना है। जो पिन आपको ऊपर में डालना है वही पिन आपको नीचे भी डालना है और कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं डाल के ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट इनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे तो इसे यहाँ पे बंद भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे अलाउ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे खाली बॉक्स दिख रहा है, आपको यहाँ पे इसे चेक कर देना है और चेक करने के बाद फ्रेंड्स प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट अपना डाल देना है, जो भी आपका फिंगरप्रिंट है, और यहाँ पे प्रोसीड हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपका यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे पेपर में दिखा रहे एक्सिस मोबाइल ऐप के बाद आपको सपोर्ट सर्विस एंड सपोर्ट में जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से सर्विस एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अपग्रेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे कार्ड नंबर और यहाँ पे एक्सपायरी डेट और CVV डाल के कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो पिन आपने MPIN पहले आपने सेटअप किया था वही MPIN आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे MPIN डाल देता हूँ। MPIN डालने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको कुछ प्रोसेस होगा। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हाई कन्हैया लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे डिलीवरी वेरीफाइड लिखा हुआ है और नीचे आपको एक ATM का लोगो टाइप का दिख रहा है। आपको यहाँ पे इस और लोगो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए इस कार्ड को मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है और देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिखा रहा है, लेट्स सेटअप योर क्रेडिट कार्ड स्टेटस, और आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग टैप एंड पे, इस ऑनलाइन शॉपिंग वाले ऑप्शन को मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। जब ये अलाउ रहेगा तभी हम ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे। यहाँ पे लिमिट दिखा रहा है 1,38,000 जो कि मुझे मिला है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं चलिए इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इतना ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगा फिर मैं ज़्यादा कर लूँगा। तभी यहाँ पे 20-22,000 या 26,000 जितना भी होता है यहाँ पे रहने देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे टैप एंड पे का ऑप्शन दिखा रहा है, इसका जो है जैसे वैसे ही रहने देता हूँ, इसको इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको नीचे में ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स ATM का, तो देखिए ATM वाला मुझे पैसा निकालना नहीं है ATM से, क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि बहुत फाइन भरना पड़ता है। तो मैं इसे यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। POS है ये, क्या है ये भी मुझे नहीं पता है, तो मैं इसे भी यहाँ से ऑफ कर देता हूँ फ्रेंड्स। और ऑफ करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे देखिए इंटरनल यूसेज लिखा हुआ यहाँ पे ऑफ है, इसे ऑफ ही रहने देंगे। फिर ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग को हमें यहाँ से अलाउ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे अलाउ कर देता हूँ। लेकिन ये क्या, ऑनलाइन शॉपिंग को अलाउ किया तो ये इंटरनल यूसेज भी अलाउ हो जा रहा है। और देखिए जब मैं इसे बंद करने की कोशिश करता हूँ, चलिए
फिर से मैं इसे बंद करके देखता हूँ। इंटरनल यूसेज तो मुझे यूज नहीं करना है। ऑनलाइन शॉपिंग बंद हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको यहाँ से यस करता हूँ तो ये दोनों ही बंद हो जा रहा है। तो अभी मैं इसे छोड़ देता हूँ, बाद में मैं इसे सेटअप कर लूँगा। और इसके बाद आपको यहाँ से इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, मैं यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ से सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए, ओटीपी मैंने सही से कॉपी नहीं कर पाया, मैं इसको मैनुअली देख के डाल देता हूँ। और जो है इसको पहले एक बार देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो देखिए, एक बार ओटीपी को मैं एक बार देख लेता हूँ कितना है ओटीपी। 32, 82 और 24, कुछ इस तरह से है। दोबारा से मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये क्या टैब हुआ है, सॉरी। तो देखिए, मैं यहाँ से इसे पहले हटा देता हूँ जो पहले वाला ओटीपी है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये देखिए वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एंटर न्यू पिन सेटअप करने के लिए बोलेगा। तो आपको यहाँ पे 4 डिजिट का पिन सेटअप करना है। जब आप एटीएम से पैसा निकाल लेंगे तो आपको इसी पिन का ज़रूरत पड़ेगा, और आपको उसी पिन को नीचे कन्फर्म पिन पर भी डाल देना है। तो चलिए, मैं उसी पिन को आपको नीचे कन्फर्म पिन पर डाल के सेट पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। सेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने जो एम पिन सेट करके रखा है 6 डिजिट का, वो पिन आपको यहाँ पे डाल देना है, तभी आपका पिन सेटअप होगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे एम पिन डाल के कंफर्म कर दिया और मेरा जो है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का पिन सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। और आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन का। तो चलिए, मैं ओके कर देता हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो गया हूँ और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का पिन भी जनरेट कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कमेंट या सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।